आज हम बनाएंगे आम पापड़ा और किशमिश डाल के टमाटर की चटनी। इसके लिए लिया है हमने 3 से 4 टमाटर, जिन्हें हमने महीन काट लिया है। आम पापड़ा इतना करीब आधा हमने बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून किशमिश, नमक स्वाद के अनुसार, अदरक और हरी मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्च आपको जितनी पसंद हो उतनी ले लें। 1 तेजपत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पंचफोड़न, आधा चम्मच काला नमक, 2 गुड़ की डली। गुड़ आप अपने हिसाब से डालें। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लें। कढ़ाई में करीब 2 चम्मच तेल डाल दें। तेल को गरम होने दें। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ये पंचफोड़न, इसमें थोड़ा सा हींग भी डाला था हमने, डालें, इसका कलर चेंज होने दें। अब इसमें ये तेजपत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डालें, अदरक और हरी मिर्च डालें, थोड़ा सा चलाएं। अब इसमें ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दें, इन्हें चलाएं। अब इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल दें, इन्हें चलाएं। स्वाद के अनुसार नमक, काला नमक डाल दें, किशमिश, आम पापड़ा भी डाल दें। मिक्स करें अच्छे से। इसमें ये गुड़ की डली भी डाल दें, गुड़ इसी में पिघल जाएगा। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। गुड़ या चीनी भी आप यूज कर सकते हैं, आपको गुड़ पसंद ना हो तो। दो से तीन मिनट इसे ऐसे ही रहने दें। अब इसे ढक के छोड़ दें धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए। एक बार ढक्कन हटा के देख ले, गुड़ पिघल चुका है। टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं अगर आपको पतली चाहिए तो, नहीं तो ये रेडी है। गैस को बंद कर दें। ये किसी भी चीज के साथ खाएं, पराठों के साथ, मसाला खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब इसे हम सर्व कर देते हैं। टमाटर की चटनी रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं।